हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर हम लोग 90s बुक्स, पोइट्री और लाइफ की बातें करते हैं। एंड टुडे इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड। थैंक यू सो मच, आई हैव कंप्लीटेड द 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स हु सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल माय लिसनर्स, ऑल माय फैंस। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। और बहुत जल्दी आपने मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और टू ऑल दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो बट नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, देन वॉट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड एज अ स्पेशल ट्रीट ना, मुझे लगा कि क्यों ना आज आपको मैं एक मीठी डिजर्ट खिलाऊं, मतलब एक केक की रेसिपी है जो मेरा फेवरेट केक है एंड आप और मैं उसे आज मिलकर बेक करते हैं। एंड इट्स कॉल्ड बनॉफी पाई। इसको बनॉफी पाई इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें बनाना और टॉफी होती है, इसीलिए दोनों का मिक्सचर। और इसकी टॉफी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल चीजें लगती है। सो दिस इज नॉट अ कुकरी शो बट टुडे वी आर गोइंग टू बेक माय फेवरेट केक फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर बनॉफी पाई इज टू मेक द टॉफी। और टॉफी बनाने के लिए ना आपको कंडेंस्ड मिल्क चाहिए, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। दिस इज 400 ग्राम ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। और इसे ना द वेरी फर्स्ट स्टेप, आप बनॉफी पाई बनाने से बहुत पहले, इनफैक्ट 2 घंटे पहले इसको आपको गर्म पानी में डालना है और इसको गर्म पानी में बहुत देर तक, 2 घंटे तक उबलने देना है। ना 1 घंटे बाद भी इसकी टॉफी बन जाती है, लेकिन जो 2 घंटे बाद वाली टॉफी का स्वाद होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सो दिस इज माई हॉट वाटर और ये मैं इसमें डुबा दूंगी। और यू हैव टू मेक श्योर कि ये ना पानी में सबमर्ज रहे, जो मिल्क मेड है, जो आपका कंडेंस मिल्क है। और इसे आपको 2 घंटे तक ऐसे ही रखना है, तब तक आप अपना जो बेस है बनॉफी पाई का वो बना सकते हैं। सो आफ्टर डिपिंग कंडेंस मिल्क इन हॉट वाटर, तो जब तक वो हो रहा है तब तक आप अपना बेस बना सकते हैं। फॉर दैट बेस आपको चाहिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स, 1 पैक इज इनफ, और जिसको आप एक जिप लॉक में डालकर क्रश करेंगे। सो दिस इज द वे टू डू इट। Actually, this has a base which is removable. So this is actually a pie pan and it's easily available in all the stores. So now after crushing those biscuits, मैंने उसको इस पैन में खाली कर दिया। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ना ये बिस्किट्स जो है वो लोग मिक्सी में क्रश कर देते हैं मिक्सर में, बट आई डोंट लाइक दैट बिकॉज वो बहुत ही पाउडर्ड हो जाता है, बहुत ही फाइन हो जाता है। आई लाइक दिस क्रंच जो बीच में ऐसे मोटे दानों की वजह से आता है। सो इसमें मुझे बटर खाली करना है। आप चाहें तो जितना भी बटर ले सकते हैं, इफ यू लाइक मोर देन प्लीज टेक मोर। और अब इसको आपको इसके बेस में सेट करना है। पहले आप इसको पूरा मिक्स कर दीजिए। And then you need to set it like this. Sides बिल्कुल नहीं छोड़नी आपको। Sides में भी आप you can just crush it like this with the help of your fingers. Yes. This is how the mixture looks like. This is the base, the pie. Now the thing is, बहुत सारे लोग इसे दो तरीके से बना सकते हैं। The lot of people who prefer it baked. So आप इसे bake कर सकते हैं 180 degree पे और करीबन 10 minutes के लिए। But मुझे ना इसका जो base होता है chill पसंद है। So I'll put it in the refrigerator for at least 1 hour. So now that our condensed milk is boiling and after that we've set our base जो हमारा पाए था। Now the third step is अब हमें क्रीम को, इसका जो हैवी क्रीम का व्हिपिंग क्रीम होता है वो बनाना है।
Now for that मैं जो लेकर आई हूँ वो मार्केट में मिलता है. दिस इज कॉल्ड हैवी व्हिपिंग क्रीम. आप कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं. एंड देन बट बिफोर व्हिपिंग इट व्हाट यू हैव टू डू इज जिस बोल में आप इसको व्हिप करेंगे ना उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हाफ एन आवर के लिए. और बिकॉज आई एम यूजिंग ए हैंड मिक्सर तो मैंने इसके जो यू नो पार्ट्स हैं उनको भी रेफ्रिजरेट किया है. बिकॉज इससे क्या होता है कि क्रीम बहुत जल्दी बहुत अच्छी सी हैवी व्हिपिंग क्रीम हो जाती है. उसकी कंसिस्टेंसी बहुत जल्दी अच्छी वाली आ जाती है. सो दिस इज द हैवी क्रीम जो हमने ली थी. उसमें थोड़े से मैंने एक बड़ी चम्मच पाउडर शुगर डाली है और आप कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं जो बेकिंग के लिए होती है. एंड देन दिस इज माई मिक्सर. इसको मैं तब तक बीट करूंगी जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाती. द रियल टेस्ट इज कि आपको कैसा पता चलेगा कि आपकी जो क्रीम है वो बीट हो चुकी है. तो जो ये आप पीक देख रहे हैं ये जो बना है ये ड्रूपी नहीं है, गिर नहीं रहा है, मतलब स्ट्रेट है. सो दैट मीन्स आपकी क्रीम जो है बीट हो चुकी है. सो अब तक तीन चीजें हो चुकी हैं. एक हमारा जो कंडेंस्ड मिल्क है दैट इज बॉइलिंग. दूसरा जो हमने बेस बनाया था जो हमारा पाई है दैट इज एक्चुअली इन द रेफ्रिजरेटर, वो चिलिंग के लिए रखा है. और तीसरा जो हमने अभी हैवी क्रीम बनाई जो हमने अभी बीट की उसे हमने फ्रिज में रखा है. प्लीज डोंट कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर, जस्ट कीप इट इन द फ्रिज. सो जो कंडेंस मिल्क था मेरे पास जिसे हमने दो घंटे बॉईल किया था उसके बाद मैंने उसको एक घंटे ठंडा करने के लिए रखा. एंड देन ये बोल में मैंने इसको खाली किया है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये टॉफी बन जाता है जो हम टॉफीज खाते हैं ना, और इसे वैसे डॉल्शे डूशे भी बुलाया जाता है. अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन हम प्लेटिंग करेंगे अपने पाई के अंदर. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव राइट नाउ. सबसे पहले ये हमारा पाई बेस है जो हमने चिल होने के लिए रखा था रेफ्रिजरेटर में फॉर वन आवर. ये हमारा टॉफी है जो मैंने आपसे कहा था कि कंडेंस मिल्क को जो हमने बॉईल किया था दो घंटे के लिए और फिर ठंडा किया हमने. एंड ये है हमारे बनानास जो हम इसमें डालेंगे. सो ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सेट इट ब्यूटिफुली. मतलब आप इसको एक एक करके राउंड करके आप पूरी अच्छी ब्यूटिफुल शेप बना सकते हैं. सो यू जस्ट हैव टू कवर the whole base. So this is how it looks like. Final presentation जो इसकी है इसमें आपको जो base है बेस के ऊपर आपको at least you will need two bananas और उसको आप अच्छे से spread कर दीजिए. अब हम इसमें अपनी जो toffee है ये toffee ये डालेंगे and उसके बाद इस पर cream spread करेंगे. So ये हम इसमें cream spread करेंगे जो हमने अपनी toffee बनाई थी condensed milk. एंड थोड़ा स्लो बिकॉज कंडेंस मिल्क की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बॉयल होने के बाद बहुत थिक हो जाती है. सो जस्ट हैंडल विद केयर. सो नाउ जो हमने अपनी हैवी क्रीम व्हिपिंग क्रीम बनाई थी वो भी अच्छे से रेफ्रिजरेट हो गई है, मतलब सेट हो चुकी है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ द फेवरेट पार्ट, हम अपने बनॉफी पाई में इस क्रीम को स्प्रेड करें. सो दिस इज हाउ वी आर गोना स्प्रेड इट. अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे बिकॉज ये क्रीम ना धीरे धीरे सेट हो जाती है. सो आप इसको धीरे धीरे वर्क कर सकते हैं. और डोंट वरी अबाउट एक्स्ट्रा क्रीम. आई मीन इट कैन बी यूज्ड फॉर सो मेनी थिंग्स. आप इसको मैंगो का सीजन है सो मैंगो शेक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन यू कैन यूज़ इट फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. कॉफ़ी बना सकते हैं, कैफे लाटे बहुत अच्छी बनती है इससे. नाउ फॉर द फाइनल टच. सो आई हैव दीज चोको चिप्स विद मी जो अलग अलग कलर के हैं. सो यू कैन जस्ट स्प्रेड देम. और अगर आपको ज्यादा पसंद है तो प्लीज स्प्रेड मोर जितने भी आपको अच्छे लगते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लेकिन अभी हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे एटलीस्ट फॉर वन आवर और उसके बाद आप और मैं मिलके खाएंगे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड एज आई टोल्ड यू कि इसको खोलने का ये तरीका है इस तरह से. थैंक यू सो मच. सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. मैंने आपसे कहा था ना कि ये बनॉफी पाई 1000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में है और आप और मैं जिन्होंने हमने साथ में ये बेक किया है तो हम मुंह मीठा भी साथ में ही करेंगे. सो नाउ दिस इज बनाना. सो सबसे ऊपर आपके चोको चिप्स हैं, देन देर इज हैवी क्रीम व्हिपिंग क्रीम, एंड देन देर इज बनाना, देन देर इज टॉफी जो मैंने आपसे कहा था डॉल्शे डूशे जिसे बुलाते हैं, एंड देन देर इज द पाई जो हमारा बेस जो हमने बनाया था बटर और डाइजेस्टिव बिस्किट्स के साथ. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स. आई रियली लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. और
आगे की जर्नी में भी प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड यस दोज ऑफ यू हु ऑल्सो यू नो कीप फॉलोइंग मी ऑन माई गाना शो सो लेट मी रिमाइंड यू गाना पे मदर्स डे स्पेशल शो किया है मैंने सो प्लीज गो एंड लिसन टू दैट जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए मुंह मीठा कीजिए एंड प्लीज कीप स्माइलिंग